नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 2 के 10वें पाठ हेलो एल्केन हेलो एरीन के चतुर्थ भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने देखा हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उनका नामकरण IUPAC तथा सामान्य पद्धति में किस प्रकार किया जाता है, CX बंध की प्रकृति कैसी है, उनकी विरचन की अभिक्रियाएँ, उसके बाद भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। उन रासायनिक गुणों में हमने केवल SN1 SN2 अभिक्रिया यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ तथा उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ध्रुवण घूर्णकता के बारे में, प्रतिबिंब रूप क्या है, आणविक असम्मितता क्या है, रासायनिक मिश्रण तथा धारण और प्रतिपन क्या है। उसके बाद हम किसी ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड के द्वारा SN1 SN2 की अभिक्रिया देखेंगे और SN1 SN2 क्रियाविधि के बाद हम विलोपन अभिक्रिया तथा मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देखेंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवण घूर्णकता। कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर यह इसे घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। क्या है ये समतल ध्रुवित प्रकाश? यहाँ देखें, इस चित्र में एक वर्णी प्रकाश जो नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है उसमें सभी दिशाओं में कंपन होता है। जब हम इसे निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये सारे कंपन लाइट के परपेंडिकुलर केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाते हैं। इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, जहाँ कंपन केवल एक ही तल में रह गए हैं। इस प्रकार के प्रकाश को यदि हम किसी यौगिक के विलयन में से गुजारें और वो इसके तल को घूर्णित कर दे, ऐसे यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाएगा। उस कोण को जिस पर समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णित हो जाता है ध्रुवण मापी नामक उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है। यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाई ओर अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा दे तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अथवा डी रूप कहते हैं तथा इसके घूर्णन कोण से पूर्व धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रकाश बाई ओर अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में घूर्णित होता है तो यौगिक को वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा एल रूप कहते हैं तथा घूर्णन कोण से पूर्व ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। इस चित्र में देखिए, ये नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ कंपन सभी दिशाओं में है और ये लाइट का प्रोपगेशन निकोल प्रिज्म के थ्रू हो रहा है। उसके बाद निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद यह प्लेन पोलराइज लाइट बन गई, समतल ध्रुवित प्रकाश, जहाँ केवल कंपन लाइट के परपेंडिकुलर प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन में रह गया है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक के सोल्यूशन में से गुजारें तो या तो वो दाईं ओर घूर्णित हो जाएगा या बाईं ओर घूर्णित हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये तल इस तरह से दिखाया हुआ था सीधा, अब ये किस तरफ घूर्णित हो गया? दाईं ओर घूर्णित हो गया। सारे प्रकाश के कंपन जो हैं आपको दाईं ओर घूर्णित होते हुए दिख रहे हैं और यदि ये दाईं ओर घूर्णित होता है तो इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो स्मॉल डी या प्लस के चिन्ह द्वारा दिखाते हैं और यदि बाईं ओर घूर्णित होता है जैसे इसमें दिख रहा है, ये बाईं ओर घूर्णित हुआ है, ये वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा एल लीवो रोटेटरी या माइनस के चिन्ह द्वारा। इस प्रकार के प्लस तथा माइनस समावयवियों को ध्रुवण समावयवी कहते हैं तथा इस परिघटना को ध्रुवण समावयवता कहते हैं। अब हम देखते हैं आणविक असम्मितता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों ओर समूह की त्रिविम्ब व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है और यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हों तो ऐसे कार्बन परमाणु को असम्मित कार्बन परमाणु अथवा त्रिविम्ब केंद्र कहते हैं। परिणामी अणु को असम्मित अणु कहा जाएगा। अणु की असम्मितता इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णक के लिए उत्तरदायी होती है, अर्थात जिनमें
ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो जो चार डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा हो वो असममित कार्बन कहलाता है। यदि किसी अणु में इस प्रकार का एक कार्बन है तो वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देगा और इस प्रकार इन कार्बनिक यौगिकों को असममित कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा और यही ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होते हैं। बहुत सी वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती। अपने दर्पण प्रतिबिंब पर हम देखते हैं वो पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करती। उदाहरणार्थ बायां तथा दायां हाथ समान दिखाई देता है, लेकिन यदि अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर उसी समतल में ले जाते हुए रखें तो दोनों एक दूसरे पर ठीक ठीक नहीं ढकते, हमारा अंगूठा अंगूठे के ऊपर नहीं आएगा। तो इस प्रकार इनमें अध्यारोपित नहीं होते। यहाँ देखिए, ये हमारा हाथ दिखाया है, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता। यहाँ अंगूठा दाईं ओर दिख रहा है, इसमें अंगूठा बाईं ओर है। जब हम इसको उठा के इस पर रखेंगे तो ये अंगूठा इस तरफ आ जाएगा, दाईं तरफ आ जाएगा, है ना। ये कुछ हाथ और हमारे पैर जो हैं, ये जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, इन्हें कायरल कहा जाता है। इसी तरह से कार्बनिक यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होंगे उन्हें कायरल कहा जाएगा और इस गुण को कायरलता कहते हैं। इसी प्रकार कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे ये गोले की आकृति है ना, अपने दूसरे गोले पर, अपने प्रतिबिंब पर आसानी से अध्यारोपित हो सकती है। इसी प्रकार यह आकृति भी अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो सकती है, इन्हें एक कायरल वस्तु कहा जाता है। इसी तरह से वे कार्बनिक यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएंगे वे एक कायरल हैं, तथा जो अध्यारोपित नहीं होंगे वो कायरल हैं। वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती कायरल कहलाती हैं, तथा इस गुण को कायरलता कहते हैं। वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें एक कायरल कहते हैं। इस चित्र में एक कार्बनिक यौगिक दिखाया है, यहाँ देखें, इस को अपने दर्पण प्रतिबिंब पर उठा के रखें तो जो बॉल यहाँ पिंक दिख रही है वो इस तरफ लेफ्ट में थी और इसके प्रतिबिंब में ये दाईं ओर है, है ना। इसको उठाकर इस पे रखने पे ये अध्यारोपित नहीं होगी। तो इस तरह से यह अणु कायरल अणु है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। और इसी प्रकार के वे कार्बनिक यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएंगे वे एकायरल होंगे। इस उदाहरण में देखिए, प्रोपेन टू ऑल लिया है, प्रोपेन टू ऑल, जहाँ पर कि फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड जो तल से बाहर निकलता हुआ बंद है उस पर एक मैथिल समूह है, एक तल से पीछे की तरफ जो बंद है उस पर CH3 मिथिल समूह है और एक OH और H प्लेन में है, है ना। इस प्रोपेन टू ऑल का अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो इस प्रकार हमें ये संरचना मिलती है, प्रोपेन टू ऑल का दर्पण प्रतिबिंब। इस दर्पण प्रतिबिंब बने हुए स्ट्रक्चर को यदि 180 डिग्री से घुमाया जाए, 180 डिग्री से घुमाने पे क्या होगा, जो बॉन्ड फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे है आगे की ओर है वो पीछे चला जाएगा और पीछे वाला जो CH3 है वो आगे की तरफ आएगा। अब क्योंकि दोनों ही मिथाइल है इसलिए हमें मालूम नहीं चल रहा, ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं 180 घुमाने पे, लेकिन दोनों ही मैथिल समूह हैं इसलिए पता नहीं लग पा रहा। तो ये घुमाया हुआ प्रतिबिंब ग आया, तो क के प्रतिबिंब रूप ख को 180 डिग्री घुमाने पर ग प्राप्त होता है जिसे क पर अध्यारोपित कर सकते हैं। इस ग को देखें, ये ग संरचना को अगर हम क संरचना पर अध्यारोपित करें तो बिल्कुल अध्यारोपित हो जाएगी। देखो, यहाँ भी फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे मिथाइल ग्रुप है लेफ्ट साइड में, यहाँ बैक साइड में CH3, बैक साइड में CH3, राइट साइड में OH है, यहाँ भी राइट साइड में OH है। इस ग को उठाकर अगर क पे रखा जाए ये पूर्ण तरह अध्यारोपित हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोपेन टू ऑल में असममित कार्बन परमाणु नहीं है, क्योंकि चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह असमान नहीं है, अतः यह एकायरल अणु है। ऐसा अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाए, और क्योंकि इसमें ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें चारों भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हों, सारे यहाँ दो समूह मैथिल समूह दिख रहे हैं, इसलिए ये असममित नहीं है और अपने दर्पण प्रतिबिंब पर भी अध्यारोपित हो रहा है, अतः यह एकायरल अणु है। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण देखें, ब्यूटेन टू ऑल।
ब्यूटेन टू ऑल में घ संरचना में देखें, यहाँ फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड जो प्लेन से बाहर निकलता हुआ बंद है उसमें एथिल समूह है, और जो प्लेन से पीछे की तरफ बंद है उसमें मैथिल समूह है, और प्लेन में OH और H है। ब्यूटेन टू ऑल का दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, तो जहाँ OH दाईं ओर था अब यहाँ OH बाईं ओर आ गया है, तो इस तरह से ये दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये जो तीनों ग्रुप हमें पहले बाईं ओर दिख रहे थे अब ये दाईं ओर आ गए हैं। अब ब्यूटेन टू ऑल के दर्पण प्रतिबिंब को यदि 180 डिग्री से घुमाया जाता है तो जो बॉन्ड फ्रंट पे देखिए यहाँ पर एथिल समूह है और बैक साइड में मैथिल समूह है, 180 पे घुमाने पे क्या होगा, एथिल समूह तो पीछे वाले बंद पे चला जाएगा, है ना, बैक साइड वाले में चला जाएगा, और मैथिल समूह फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे आ जाएगा। तो मैथिल समूह देखिए यहाँ बोल्ड जो सॉलिड वेज होता है फ्रंट प्रोजेक्शन को दिखाता है उस पर तो मैथिल आ गया है, और एथिल समूह जो पहले फ्रंट में था अब पीछे बैक में चला गया है। इस तरह से हमें ये 6 संरचना प्राप्त हुई। तो घ के प्रतिबिंब रूप च को 180 डिग्री घुमाने पर 6 प्राप्त होता है जो कि घ पर अध्यारोपित नहीं होता। यहाँ यदि हम इस 6 वाली संरचना को घ की संरचना पर अध्यारोपित करें तो ये अध्यारोपित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैथिल समूह बैक प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे है जबकि यहाँ पर एथिल समूह बैक प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे है, यहाँ एथिल समूह फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे है घ में जबकि छ में मैथिल समूह फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड पे है। यदि हम इसे उठा के इस पे रखते भी हैं तो ये अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से ब्यूटेन टू ऑल में चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह भिन्न हैं। यहाँ देख रहे हैं कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बन जिसपे एक मैथिल समूह है, एक एथिल है, एक OH है और एक H है, चारों परमाणु या समूह भिन्न हैं और ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित भी नहीं हो रहा है, अतः यह कायरल है। तो इस तरह से ब्यूटेन टू ऑल एक कायरल अणु है। कायरल अणु के सामान्य उदाहरण देखें तो देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन में ऐसा कौन सा कार्बन है जो असममित है, यहाँ देखें ये कार्बन जिसपे कर्सर है इसमें ये कार्बन एक तरफ मैथिल समूह से जुड़ा है, एक तरफ CH2CH3 एथिल समूह से जुड़ा है और एक H और एक Cl है, इस पे चारों भिन्न परमाणु या समूह हैं, अतः यह कायरल अणु हो गया। इसी तरह से 2,3-dihydroxypropanol, 2,3-dihydroxypropanol में कौन सा कार्बन असममित है, ये देखें ये कार्बन जिसपे एक तरफ CHO ग्रुप है, एक तरफ CH2OH ग्रुप है, एक H है और एक OH है, चार भिन्न परमाणु या समूह लगे हुए हैं, अतः यह असममित कार्बन है। फिर है ब्रोमो क्लोरो आइडोमेथेन, इसमें एक कार्बन पर चारों ही भिन्न परमाणु समूह लगे हुए हैं जैसे PR है, Cl है, H है और I है, तो चारों ही भिन्न भिन्न परमाणु लगे हुए हैं, अतः यह कायरल कार्बन है। 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक अम्ल, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक अम्ल में कौन सा कार्बन असममित है, ये कार्बन देखें जिसपे एक H है, एक BR है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक मैथिल समूह है, इस तरह से चारों भिन्न परमाणु या समूह होने से ये असममित कार्बन है और ये सभी कायरल अणु हैं, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होंगे तथा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देंगे, अतः ये सभी कायरल अणु हैं। जिन त्रिविम समावयवियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं, है ना, ऐसे प्रकाश समावयव जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो सकें उस युग्म को उनको प्रतिबिंब रूप कहा जाएगा। प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, पथनांक, विलयता, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं। प्रतिबिंब रूपों में केवल एक ही गुण का अंतर होता है, बाकी सारे भौतिक गुण समान होते हैं। वो उनमें क्या अंतर है, केवल इनमें समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने में दिशा का अंतर होता है। यदि एक प्रतिबिंब रूप दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो तो दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक होगा, अर्थात एक ही यौगिक के दो समावयव जो प्रतिबिंब रूप हैं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, वे
समतल ध्रुवित प्रकाश को भिन्न दिशाओं में घूर्णित करेंगे। ध्रुवण घूर्णन के चिन्ह का अणु के निरपेक्ष विन्यास से कोई संबंध नहीं होता। विन्यास क्या चीज है? किसी कार्बन के चारों तरफ ओरिएंटेशन, एटम्स या ग्रुप्स किस तरह से विन्यासित हैं त्रिविम में, उसे कहा जाता है विन्यास। निरपेक्ष विन्यास हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आर और एस नॉमनक्लेचर के द्वारा निरपेक्ष विन्यास दिया जाता है। विन्यास जो है कार्बन के चारों तरफ एटम्स या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन है, उसका और ध्रुवण घूर्णन का आपस में कोई संबंध नहीं है। अर्थात अगर विन्यास आर है तो ध्रुवण घूर्णन प्लस या माइनस हो सकता है, जबकि अगर एस है तब भी प्लस या माइनस हो सकता है। इस तरह से नहीं है कि किसी विशेष प्रकार के विन्यास का केवल एक ही प्रकार का घूर्णन होगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार ध्रुवण घूर्णन के चिन्ह और निरपेक्ष विन्यास में कोई संबंध नहीं होता। दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण घूर्णन शून्य होगा, क्योंकि एक समावयवी के द्वारा उत्पन्न घूर्णन को दूसरा समावयवी निरस्त कर देगा। दो समावयवियों के घूर्णन में मैग्नीट्यूड बराबर होता है, केवल चिन्ह का फर्क होता है। मान लीजिए एक समावयव अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को 5 डिग्री दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा समावयव 5 डिग्री बाईं ओर घुमाएगा। इस तरह से यदि दोनों का समान अनुपात में मिश्रण होगा तो घूर्णन शून्य हो जाएगा। इस प्रकार मिश्रण को रेसमिक मिश्रण अथवा रेसमिक अंशांतरण कहते हैं। एक रेसमिक मिश्रण को उसके नाम से पूर्व DL अथवा प्लस माइनस पूर्व लग्न लगाकर प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण के लिए प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। प्रतिबिंब रूप के रेसमिक मिश्रण में परिवर्तित होने के प्रक्रम को रेसिमीकरण कहते हैं। धारण रिटेंशन, रासायनिक अभिक्रिया के समय एक असममित केंद्र के आबंधों के त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने को धारण कहते हैं। अर्थात जो विन्यास क्रिया कारक में है वही विन्यास यदि उत्पाद में प्राप्त होता हो तो इसे धारण कहा जाएगा। सामान्यतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविम केंद्र से कोई बंध नहीं टूटता तो उत्पाद में त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही विन्यास होगा। त्रिविम केंद्र से जुड़े बंधों के बजाय यदि कोई आगे के बंध से किसी प्रकार का प्रतिस्थापन या अभिक्रिया होती है तो त्रिविम केंद्र का विन्यास वही बना रहता है, जिसे धारण कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिलोमन, धारण और रेसिमीकरण। ये यहाँ एक मॉलिक्यूल बीच में देखें, ये हमने क्रिया कारक लिया है। यहाँ एक्स को प्रतिस्थापित करके वाई ला रहे हैं। अगर हम इस तरह से वाई, जहाँ एक्स हटा उसी तरफ अगर वाई आया और हमें ये संरचना क प्राप्त होती है तो इसे कहेंगे विन्यास का धारण। जो विन्यास क्रिया कारक में था वही विन्यास हमें उत्पाद में प्राप्त हुआ, जहाँ से x हटा बिल्कुल वहीं पर y प्रतिस्थापित हुआ है। यदि y का प्रतिस्थापन x के हटने के विपरीत दिशा में हो रहा हो, देखिए यहाँ पे x कहाँ से हटा था, बाईं तरफ से, और y कहाँ जुड़ रहा है, दाईं तरफ जुड़ रहा है। जो ग्रुप हमें पहले यहाँ पे राइट साइड में दिख रहे थे वो सारे ग्रुप अब लेफ्ट में आ गए। इस तरह से अगर हमें ख संरचना प्राप्त होती है प्रतिस्थापन से तो इसे कहेंगे प्रतिपन, विन्यास का प्रतिलोमन या प्रतिपन कहा जाएगा। और मान लीजिए अगर हमें क और ख दोनों बराबर मात्रा में प्राप्त हों 1:1, 50:50, तो ये रेसमिक मिश्रण कहलाएगा। यदि दोनों यौगिकों का मिश्रण 50:50 अनुपात में 1:1 अनुपात में प्राप्त होता है तो इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं, तथा उत्पाद ध्रुवण घूर्णक नहीं होगा। क और ख का जो मिश्रण प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें एक समावयव द्वारा जो रोटेशन है वो दूसरा समावयव उसको कैंसिल कर देता है, क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, उनका मान समान है घूर्णन का, केवल दिशा का फर्क है, अतः वह घूर्णन नष्ट करके और शून्य घूर्णन हो जाता है। इस तरह से अब हमने देखा किस प्रकार कायरल अणु जिनमें असममित कार्बन होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर सकते हैं दाईं ओर अथवा बाईं ओर, जिन्हें हम प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से धारण का मतलब होता है जहाँ विन्यास समान रह जाए, प्रतिलोमन मतलब जहाँ विन्यास का परिवर्तन हो जाए, और जहाँ दोनों प्रकार के हमें प्राप्त हों अर्थात प्रतिलोमित उत्पाद तथा धारण उत्पाद दोनों बराबर मात्रा में प्राप्त हों तो वो रेसमिक मिश्रण कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं SN1 SN2 अभिक्रिया किसी ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड द्वारा। SN1 व SN2 क्रियाविधि को ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड द्वारा
ध्रुवण घूर्णक एल्काइल हैलाइडों में SN2 क्रियाविधि द्वारा प्राप्त उत्पाद का विन्यास अभिक्रियक की तुलना में प्रतिलोम होगा। यहाँ देखें, इस रिएक्शन में ये हमने एक 2-ब्रोमो ऑक्टेन लिया हुआ है ना, जिसमें ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक C6H13 है, एक H है और एक Br है। और यहाँ हम SN2 रिएक्शन कराते हैं। हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में नाभिक स्नेही कहाँ से आता है, पीछे की ओर से। तो OH ग्रुप देखो पीछे की ओर से जुड़ गया है और Br लिविंग ग्रुप के रूप में हट गया है। और इस तरह से विन्यास जो है, पहले जो ग्रुप हमें लेफ्ट साइड में दिख रहे थे, वो सारे ग्रुप अब राइट साइड में आ गए हैं, है ना। तो इस तरह से विन्यास का प्रतिपन्न हो गया। और ये SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही के पीछे की ओर आक्रमण करने से इस प्रकार विन्यास का प्रतिलोमन होता है। ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइडों के लिए SN1 अभिक्रिया रेसिमीकरण के साथ संपन्न होती है। धीमे चरण में बना कार्बोकेटायन sp2 संकृत होने के कारण समतलीय हो जाता है। रिएक्शन देखें, यहाँ भी हमने प्रकाश सक्रिय ध्रुवण घूर्णक एल्काइल हैलाइड लिया है 2-ब्रोमोब्यूटेन, है ना। ये देखिए, एक मिथाइल ग्रुप है, एक Br है, एक H है और एक इथाइल ग्रुप है, है ना। स्लो स्टेप के अंदर पहले कार्बन और Br का बंध टूट के कार्बोकेटायन बनेगा और ये कार्बोकेटायन समतल संरचना है, प्लेनर होने के कारण अब इस प्लेनर संरचना पे दूसरे स्टेप में नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे की ओर तथा आगे की ओर दोनों तरफ से हो सकता है। इस तरह से हमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। तो नाभिक रागी के दोनों दिशाओं से आक्रमण के फलस्वरूप उत्पाद में रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये दोनों उत्पाद अगर हमें बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं तो ये रेसमिक मिश्रण है। यहाँ देखें, इस वाले उत्पाद में तो धारण है, क्योंकि यहाँ Br जहाँ हटा उसी तरफ OH आया है, और इसमें क्या है, प्रतिलोमन। जहाँ Br हटा, Br तो दाईं तरफ था और उसके विपरीत दिशा में नाभिक स्नेही जुड़ा है, तो ये प्रतिलोमन उत्पाद है और ये धारण उत्पाद है, और दोनों के मिश्रण को रेसमिक मिश्रण कहा जाएगा। विलोपन अभिक्रिया, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, जब भी एल्कोहली विलयन में KOH हो तो विलोपन होगा, और जलीय विलयन में KOH होता है तो प्रतिस्थापन, जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, इसमें देखें, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है ये कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये क्षार द्वारा एल्कोहलिक KOH जो क्षार के रूप में प्रयुक्त हो रहा है वो H को अपने पास लेने से BH बना देगा। और यहाँ देखें, कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, H किस तरह से हट रहा है, H+ के रूप में, और X अपने इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले जाने से X नेगेटिव के रूप में हटेगा। इस तरह से हमें एल्कीन प्राप्त होगी, और ये एक कार्बन पे से X हटा है और दूसरे कार्बन पे से H हटा है। बीटा कार्बन पे से H हटने को बीटा विलोपन कहा है। एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, और विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है, अतः इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होने के कारण एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो सामान्यतः एक एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। यहाँ देखें, इस उदाहरण में ये 2-ब्रोमोपेंटेन है, इसमें इस कार्बन को हमने अल्फा कार्बन कहा जहाँ हेलोजन Br प्रेजेंट है, उसके पास वाले कार्बन को इधर भी बीटा कार्बन है, इधर भी बीटा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन पे से हेलोजन हटता है और बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन हटता है। यदि ये बीटा हाइड्रोजन हटाएं और ये Br हटाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इससे हमें 1-pentene प्राप्त होगी। और इसी तरह से इस तरफ भी बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन Br वाला है और उसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहा, तो इस कार्बन से यदि H हटता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इस तरह से pent-2-ene प्राप्त होगी। अब कौन सी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी, ये सेडजेफ नियम के द्वारा दिया गया है। जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह, जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन पे एक तरफ मेथिल जुड़ा है, एक तरफ एथिल जुड़ा है, जितने ज़्यादा एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े होंगे उतना ही एल्कीन का स्थायित्व तो अधिक होगा और वह अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। जबकि आप 1-pentene में देखें, डबल बॉन्डेड कार्बन पे केवल एक ही एल्काइल समूह है, प्रोपाइल समूह, जो कि एक तरफ कार्बन पे जुड़ा है और दूसरी तरफ केवल दोनों हाइड्रोजन है। इस तरह से यहाँ केवल एक प्रतिस्थापी समूह, जबकि यहाँ
पेंटटूइन में दो प्रतिस्थापी समूह, तो अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह वाली एल्कीन अधिक स्थायी होती है और अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ज़ेट्सेफ नियम, ज़ेट्सेफ नियम के हिसाब से वी हाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विक आबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। इस उदाहरण में हम देख ही चुके हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे पेंट टू इन के अंदर दो एल्किल प्रतिस्थापी समूह हैं, एक तरफ मेथिल और एक तरफ एथिल, जबकि पेंट वन इन में केवल एक एल्किल प्रतिस्थापी समूह है, अतः वह 19% कम मात्रा में प्राप्त हो रही है और मुख्य उत्पाद के रूप में पेंट टू इन प्राप्त होती है। और जिनमें ज़्यादा एल्किल प्रतिस्थापी समूह हैं वो एल्कीन का स्थायित्व तो हम अति संयुग्मन के द्वारा समझा सकते हैं। अब तीसरी अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों की, तीसरी अभिक्रिया है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अधिकांश कार्बनिक हैलाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। यहाँ देखें, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन यदि हम मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर में कराते हैं तो ये ग्रिनियार अभिक्रियक प्राप्त होता है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेटल का कार्बन के साथ डायरेक्ट बंध है इसलिए इसे कार्ब धात्विक, कार्बन का बंध धातु के साथ डायरेक्ट है उसे कार्ब धात्विक यौगिक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX कार्ब धात्विक यौगिक एक मुख्य वर्ग है जिन्हें ग्रिनियार अधिक्रियक कहा जाता है। अब यहाँ देखें, ये ग्रिनियार अभिकर्मक हमने एथिल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन से बनाया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ग्रिनियार अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक आबंध होता है। विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध अत्यधिक ध्रुवीय होता है। यहाँ देखें, RMgX में R और Mg का बंध सहसंयोजक बंध है लेकिन इसमें ध्रुवता है, मैग्नीशियम पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, R पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम तथा हैलोजन आबंध आयनिक होता है। दूसरी तरफ का जो बंध है मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच, ये जो बंध है ये आयनिक बंध है। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं हमेशा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज इस पर दिखाया है, और एक्स हैलोजन एटम इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और ये बॉन्ड आयनिक होगा और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रिनियार अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटोन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। जल, एल्कोहल तथा एमीन भी इन्हें संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अम्लीय होते हैं। यहाँ हम अभिक्रिया जल के साथ करके बता रहे हैं। जल में क्या है, एच भाग और OH भाग। जो भी एच भाग एल्कोहल से, जल से, एमीन से प्राप्त होता है वो एच किसके साथ जुड़ेगा, आर के साथ। इस तरह से आर एच प्राप्त होगा और जल में अब क्या बचा, OH भाग बचा है जो मैग्नीशियम के साथ इस तरह से हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना देता है। तो जो भी प्रोटोन देने वाले एक्टिव हाइड्रोजन वाले यौगिक हैं जैसे जल, एल्कोहल, एमीन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्रोटोन देकर एल्केन हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस प्रकार हम एल्किल हैलाइड के द्वारा कार्ब धात्विक यौगिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाकर एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अतः ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के समय लेश मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक है, नहीं तो हमने देखा कि किस प्रकार वो एल्केन में परिवर्तित हो जाएंगे। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया में क्या है, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये एल्किल एल्किल पार्ट जुड़ के आर आर उच्च एल्केन देते हैं जहाँ पर आर ग्रुप डबल हो गया है और ये 2NaX प्राप्त हो रहा है। इस तरह से वुड्स अभिक्रिया द्वारा हम उच्च एल्केन बना सकते हैं। इस प्रकार आज के भाग में हमने देखा असममित कार्बन परमाणु क्या है, कायरलता क्या होती है, प्रतिबिंब रूप, रेसमिक मिश्रण, धारण तथा प्रतिपन के बारे में सीखा। इसी प्रकार हमने SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं को ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड से शुरू करके ये देखा कि SN2 अभिक्रिया में हमें प्रतिपन प्राप्त होता है जबकि SN1 अभिक्रिया में रेसमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने अन्य अभिक्रियाएं जैसे मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया तथा उनकी विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।